युवा कांग्रेस की आज के लिए प्रस्तावित सांसद अनुराग ठाकुर के घर का घेराव किए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। सांसद अनुराग ठाकुर के घर के घेराव को लेकर प्रशासन द्वारा लागू की गई धारा 144 का सुजानपुर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कड़ा विरोध जताया है। घेराव से पहले राजेंद्र राणा ने बयान जारी करते हुए कहा कि बाकी सांसदों के घरों का घेराव भी किया जा चुका है, लेकिन कहीं पर भी धारा 144 लागू नहीं की गई थी, लेकिन इस बार ही क्यों सांसद अनुराग ठाकुर के घेराव के बारे में धारा 144 लागू की गई है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि विधायक के घर के आसपास भी धारा 144 लागू की गई है तो ये बात हैरानी वाली है। उन्होंने कहा कि सांसदों ने प्रदेश की जनता ने क्या क्या काम किए हैं इसका जवाब युवा कांग्रेस मांग रही है, लेकिन बीजेपी सांसदों ने अगर काम करवाए हैं तो हिसाब देने से क्यों घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाकी 3 संसदीय क्षेत्रों में युवा कांग्रेस घेराव कर चुकी है, वहां पर कोई धारा 144 नहीं लगाई गई थी, लेकिन यहां पर ही क्यों। राजेंद्र राणा ने कहा कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण किए जाने की युवा कांग्रेस ने बात कही है, लेकिन फिर भी युवाओं को प्रदर्शन न करने से रोकने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या खतरा जिला प्रशासन को लग रहा है ये समझ से परे है। मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं, मैंने सुना ही है कि 144 धारा जो है मेरे घर के सराउंडिंग लगा दी गई है। अब क्या खतरा है मुझे तो पता नहीं, क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं अभी ऐसा। और मुझे इतनी जानकारी जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में 4 संसदीय क्षेत्र और 4 संसदीय क्षेत्रों में चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कांग्रेस का जो युवा कांग्रेस विंग है वो उनके घरों का घेराव इसलिए कर रहा है कि वो जानना चाहती है युवा कांग्रेस की भी 4 साल आपको हो गए, केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो आपने 4 वर्षों में प्रदेश की जनता के लिए अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए आपने क्या क्या काम किए, क्या प्रोजेक्ट लेके आए, उसका हिसाब जो है वो युवा कांग्रेस युवा को कर रही है, मांग रही है। परंतु इससे पहले कांगड़ा पार्लियामेंट का, शिमला पार्लियामेंट का, मंडी पार्लियामेंट का भी जो है वो सांसदों से हिसाब मांगा गया। वहां के नौजवान जो है, वहां उस क्षेत्र के जो नौजवान है युवा कांग्रेस के, वो वहां गए। परंतु जहां तक हमीरपुर पार्लियामेंट का प्रश्न है, यहां पर सुनने में ऐसा आया है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि पटलांदर में जहां मेरा निवास स्थान है वहां भी 144 धारा लगाई गई है, और समीरपुर में जहां सांसद का घर है वहां भी जो है वो धारा लगाई गई है। जहां तक मेरा अपना जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक जो मैंने युवा कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी हुई है उसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो प्रदर्शन करेंगे और हिसाब मांगेंगे, जो कि लोकतंत्र में पब्लिक का एक फंडामेंटल राइट है कि कोई व्यक्ति चुना जाता है तो जनता, जिसने जनता ने उसको चुना है उसका अधिकार है कि वो उनसे हिसाब मांगे। मैं भी चुना हुआ व्यक्ति हूं, एमएलए हूं, मेरे से भी जनता मेरे क्षेत्र की मांग सकती है कि आपने 4 साल में क्या किया, कि आपका जितना टेन्योर हुआ उसमें क्या किया, हम उसका हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लिखित में देने के लिए तैयार हैं। परंतु जिस तरीके से यहां जिला हमीरपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा उसकी तरफ से बयानबाजी पढ़ने को मिल रही है कि हम लोग जो है थानेदारी की भूमिका निभाएंगे, हम उसको रोकेंगे, हम प्रदर्शन का जो है ईट का जो है पत्थर से देंगे, ऐसी घटनाओं को लेकर शायद प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए शायद 144 धारा लगाई हो। परंतु जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, यूथ कांग्रेस जो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो अपना जो है रोष या प्रदर्शन जो है वो उसने करने की बात कही है।